भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सरकार द्वारा लॉकडाउन व पाबंदियां हटाने का मतलब ये नहीं कि कोरोना महामारी का दौर खत्म हो गया है। यह बात हमीरपुर जिला कांग्रेस महासचिव नीरज ठाकुर ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव ठनकरी में मास्क व सैनिटाइजर बांटते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोविड नियमों में ढील देने के पीछे सरकार की कई मजबूरियां हैं, जो कि राजनीतिक तौर पर भी हैं और आर्थिक तौर पर भी हैं। कोविड नियमों में ढील का मतलब यही नहीं कि हम नियमों को दरकिनार कर यह मान लें कि महामारी का दौर खत्म हो गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ जहां तीसरी लहर को लेकर चिंतित हैं, वहीं सरकार को भी इसके बारे में जनता को सचेत करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी लहर में काफी जाने नुकसान हुआ है और तीसरी इससे ज्यादा नुकसान देह ना हो तो हमें इससे पहले ही सतर्क रहने की अधिक जरूरत है। नीरज ठाकुर ने इसके साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर लम्बलू में भी कोविड वैक्सीन लगाने आए हुए लोगों में मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए व लोगों से कोविड नियमों का पालन करने का आग्रह किया। गौरतलब है कि समाज सेवी व जिला कांग्रेस महासचिव नीरज ठाकुर कई सालों से समाज सेवा कर रहे हैं। इस कोरोना संकट काल में नीरज ठाकुर ने जरूरतमंद लोगों की आर्थिक व जरूरी सामान देकर मदद की है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए हमीरपुर से शिवम शर्मा।